नमस्कार, मैं हूं सचिन चौरसिया और आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर दिखाने वाले हैं जिसे देखकर शायद आप यकीन न करें कि हमारे रायबली ज़िले के अंदर ऐसी तमाम खूबसूरत इमारतें बनी हुई हैं। तो अभी हम चल रहे हैं टिकारी दादू में और यहीं पे आपको बता दें कि टिकारी दादू में ही टिकारी के राजा साहब की एक बहुत ही प्यारी कोठी बनी हुई है। तो अभी हम वहाँ चलते हैं और देख सकते हैं, ये छोटा सा कस्बा है टिकारी और यहाँ पे काफ़ी दुकानें आपको रोड के दोनों तरफ नज़र आएंगी और यहाँ पे स्कूल भी है। काफ़ी चीज़ें आपको इस कस्बे के अंदर देखने को मिल जाएंगी। तो चलते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम खड़े हुए हैं टिकारी के राजा साहब की कोठी के अंदर और ये कोठी को बने हुए 200-700 साल बीत गए हैं। आज भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है और ये जब बनाई गई होगी तो कितनी खूबसूरत होगी आप सोच सकते हैं। और ये बहुत ही बड़े एरिया में आपको ये कोठी नज़र आएगी। चारों तरफ आपको बाउंडेशन है, बड़ी बड़ी दीवारें हैं और डिजाइनिंग देखिए कितनी खूबसूरत है इस कोठी के अंदर। और ये पुराने समय के देखिए दरवाजे खिड़कियां आपको नज़र आएंगी। और इस कोठी की सबसे खासियत बात आपको बता दें कि ये कोठी का जो निकास है वो उत्तर दिशा की तरफ है। बताते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार बहुत ही शुभ ये माना गया है, इसलिए अभी भी इस स्थिति में ये कोठी आज भी बनी हुई है। और इस कोठी का काफ़ी हिस्सा खंडहर हो चुका है लेकिन जितना बचा हुआ है उसे काफ़ी मेंटेन करके रखा गया है। और सामने देख सकते हैं कि आपको ये काफ़ी फूलों के गमले नज़र आएंगे और ये छोटा सा गार्डन भी हरी हरी घास का बना हुआ है। और बताते हैं कि ये जो आपको पूरा आंगन दिख रहा होगा, बड़े एरिया में राजा साहब का दरबार हुआ करता था। किसी ज़माने में यहाँ पे दरबार लगाया जाता था। वीडियो में चलते चलते आपको एक छोटी सी जानकारी दे दें कि अगर आप हमारे चैनल पे किसी भी प्रकार की एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कोठी की देखभाल करने के लिए जो टिकारी के राजा साहब थे उनके सबसे छोटे बेटे इसकी देख रेख काफ़ी करते हैं। यहाँ पे पूरे साल आपको पेंटिंग, मरम्मत, निर्माण का कार्य चलता ही रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी को राज दरबार की मिट्टी लेना होता है तो वो यहीं की मिट्टी लेने के लिए आता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कोठी के अंदर जो आपको कुएं देखने को मिलते हैं, इन कुओं में 7 कुओं का पानी डाला गया है। जब कोई बच्चा मूल नक्षत्र में होता है तब लोग यहां पर पानी लेने के लिए आते हैं। जैसा कि आपको बताया है कि इस चैनल पर आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं और हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन ऐतिहासिक धरोहर दिखाते हैं, उनके बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और चैनल पे अगर आप हमारे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हम जैसा कि इस टाइम घूम रहे हैं टिकारी के राजा साहब की कोठी में और बहुत ही प्यारी कोठी है। यहाँ पे काफ़ी लोग घूमने के लिए, देखने के लिए इसे आते रहते हैं और ये जगह हमें भी काफ़ी पसंद आई। हम काफ़ी बार आ चुके हैं पहले भी लेकिन ये वीडियो शूट करने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज चांस मिल गया है तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको इस कोठी से भी रूबरू करवाएं। और ये देखिए, एक कुआं है और इसमें 7 कुएं का पानी डाला गया है। तो काफ़ी यहाँ पे रहस्यमयी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमारे टिकारी के राजा साहब की कोठी में हमें ये दादाजी मिल गए हैं, इनका नाम है श्याम लाल। ठीक है दादाजी, तो ये यहाँ पर देख रेख करते हैं और ये बचपन से, इनका मान लीजिए कि पूरा जीवन इसी कोठी में बीत गया है। तो दादाजी बताइए कोठी के बारे में कुछ। अरे कोठी के बारे में कहा, यहाँ पहले बहुत जानवर रहे जी, 150 भाई गैया रही हैं, 15 भैंसी रही हैं, बैल रहे हैं, नौकर यहाँ बहुत ज़्यादा रहे जी, कम से कम 15-20 नौकर रहे हैं, कार्यकर्ता। और ये कितनी पुरानी कोठी है? अरे ये तो लिखा है ऊपर। अच्छा, ये काफ़ी पुरानी कोठी लग रही है, इसमें
ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है 1307, मतलब 1307 ईस्वी में कोठी का निर्माण हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी पुरानी ये टिगारी दादू की, राजा साहब की कोठी होगी। और दादा बताइए कुछ कोठी के बारे में आप। और कोठी के बारे में क्या बताएं, मतलब तो यहाँ पे राजा साहब के जो भी परिवार के लोग हैं आते जाते हैं, आते जाते हैं। वो लोग कहाँ पे रहते हैं? लखनऊ में रहते हैं। अच्छा, लखनऊ में राजा साहब की फैमिली रहती है। गोमती नगर में है। अच्छा, गोमती नगर में। कुछ परिवार यहाँ सिविल लाइन पर है। जी जी। और महानगर में है। जी जी। और उनका वहाँ जवाहर भवन के सामने होटल भी है। अच्छा, जवाहर भवन के सामने। जी, लखनऊ में है। लखनऊ। अच्छा, लखनऊ में। तो देख सकते हैं अभी हमने आपको दिखाया टिकारी कि राजा साहब की कोठी, और बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पे काफ़ी मेंटेन करके रखा गया है। और दादाजी आप रहने वाले कहाँ के हैं? यही गाँव ही के हैं। अच्छा, टिकारी के। टिकारी। तो टिकारी के दादाजी हैं। काफ़ी अच्छा लगा मिलके, और इन्होंने परमिशन भी दे दिया है तो तभी हमने आपको ये प्यारी सी कोठी दिखाया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें। तो दोस्तों, जैसा कि ये राजा साहब की कोठी में हमारे शिवानंद मिश्रा जी हैं और ये यहाँ के मैनेजर हैं, तो कुछ बताइए आप भी अपने बारे में और कोठी के बारे में। जी, कोठी के बारे में, कितनी पुरानी कोठी है? 700 साल पुरानी कोठी। 700। और ये कब से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? 20 साल हो गए हमको रहते हैं। 20 साल आपको हो गए। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा जी दादा से और शिवानंद जी से मिलके। और ये सभी लोगों ने सपोर्ट किया है काफ़ी ये वीडियो शूट करने में, तो सबका दिल से धन्यवाद। ये बहुत पुराना मंदिर हमारा है। अच्छा, ये मंदिर किसका है? दुर्गा जी का मंदिर। दुर्गा जी का मंदिर है। चलिए देखिए, काफ़ी प्यारा मंदिर है। राजा साहब की कोठी के मेन गेट के जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये आपको बहुत बड़ा ग्राउंड देखने को मिलेगा और चारों तरफ आपको ये बड़ी बड़ी दीवारें नजर आएंगी। और बता दें कि पुराने समय में कभी यहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते थे। और ये देखिए मेन गेट है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस कोठी के सामने बगल में दाहिनी तरफ ये आपको छोटी सी फुलवारी नजर आएगी। इस फुलवारी की सबसे खासियत बात यह है कि यहाँ पे ऐसे पुराने समय के कई जाति प्रजाति के पौधे नजर आएंगे, और पुराने लोग जिनको औषधि यानी कि दवा की ज़रूरत होती है तो वो लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे आपको कई सारे ऐसे पेड़ नज़र आएंगे जो कई रोगों की दवाएँ जिनसे बनती हैं। और इसके अंदर आपको बता दें कि सफ़ेद दाग, बवासीर और चक्कर, इन रोगों के कई पेड़ ऐसे लगे हुए हैं और जिनको जानकारी है वो लोग यहाँ पे आते हैं। इस फुलवारी के अंदर आपको कमरख, मौसरी, कदम जैसे पेड़ देखने को मिलते हैं। और ये देखिए कोठी का मेन गेट है। तो चलते हैं अभी यहाँ से, निकलते हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। तो आप भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हमें भी अच्छा लगेगा और हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज इस चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखें।